हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कुमार्स टेक। तो आज ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है और क्यों बनाया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है क्या और क्यों बनाया जाता है, उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। हमें पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट तो आपको पता ही है कि आप अपनी इनकम के लिए कहीं पे स्टॉक या शेयर्स वगैरह खरीद लेते हो, तो वहाँ से, या डिवेंचर कुछ भी हो सकता है, वहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट वगैरह रिसीव होता रहता है। तो इन्वेस्टमेंट हमने कर दी, तो जब उसको हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो बुक वैल्यू पे, बुक ऑफ द फर्म मतलब बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है, और उसको हम एट अ कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। या तो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होती है या एट अ बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। लेकिन जो मार्केट प्राइस है वो इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा या इक्वल भी हो सकता है। तो ये मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो है वो 3 केसेस में डिवाइड हो सकती है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू कैन बी लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, एंड मार्केट प्राइस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज कैन बी ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मतलब इक्वल भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन हमें जब इक्वल है तब भी चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने जितना पैसा लगाया मार्केट में उतना ही चल रहा है, और अगर ग्रेटर है तो फ़ायदा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर वो मार्केट वैल्यू से, जो मार्केट वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस से कम हो जाता है, मतलब जितने पैसा हमने इन्वेस्ट किया अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो वहाँ पर हमें लॉस हो सकता है, मतलब पार्टनर्स को लॉस होता है। तो उस लॉस को कवर करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं, तो ताकि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आए कि उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो इन्वेस्टमेंट की डाउन हो जाए कॉस्ट प्राइस से, उसको रिकवर करने के लिए, लॉस को रिकवर करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। तो ये रिजर्व कहाँ से बनता है? आउट ऑफ प्रॉफिट। जैसे जनरल रिजर्व का टॉपिक किया था वैसे यहाँ पे ये भी हमें आउट ऑफ प्रॉफिट से ही बनाना होता है। और ये कब यूज़ करना है? व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तब ये हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज होता है। तो देखते हैं एग्जांपल, ये मैंने चारों केसेस इसके बना दिए हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। ए बी सी इज़ अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है, एंड डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन अ रेशियो 2:3:4, एंड एक्सट्रैक्ट द बैलेंस शीट में हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपका 18,000 का, और इन्वेस्टमेंट जिसकी कॉस्ट प्राइस या बुक वैल्यू है 2,00,000 की। इन्वेस्टमेंट जो बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जो एसेट साइड पे शो हो रही है वो कॉस्ट प्राइस है 2,00,000 की, और अगर कोई भी फ्लक्चुएशन होती है उसको कवर करने के लिए उन्होंने 18,000 का रिजर्व बनाया जो कि लाइबिलिटी साइड पे है। ठीक है, तो केस नंबर 1, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,00,000, कि मार्केट वैल्यू भी 2,00,000 है और कॉस्ट प्राइस भी हमारा 2,00,000 है, एंड देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, या ऐसे भी हो सकता है कि आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन ना ही दी हो, तब भी हम यही मानते हैं कि जितने की मार्केट प्राइस है उतने की कॉस्ट प्राइस है। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस या बुक वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू भी 2,00,000 है, कॉस्ट प्राइस भी 2,00,000 है। इसका मतलब आपका जो फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो अब आपको इसके लिए यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके किसी भी तरह का लॉस नहीं हो रहा, इस वजह से इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम अगर राइट ऑफ करेंगे तो IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो 4:3:2, तो IFR अकाउंट डेबिट टू A's टू B's टू C's कैपिटल, और 18,000 को हमने या 18,000 को हमने 4:3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड में। इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना, मतलब आपने इसको बुक में कंटिन्यू कैरी नहीं किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस है, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,91,000। अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस, ये कौन सा केस है कि मार्केट वैल्यू इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये 1,91,000 आ रही है और कॉस्ट प्राइस जो हमारी 2,00,000 की है। तो इसको 2,00,000 के इक्वल करने के लिए मुझे और कितना इसमें प्लस करना पड़ेगा? 9,000। और ये जो 9,000 का है ये एक तरह का हमारा क्या है? लॉस। तो ये लॉस कहाँ से रिकवर हुआ? क्योंकि हमारा IFR कितने का है? 18,000 का। मतलब हम अपने 9,000 का लॉस इसमें से रिकवर कर सकते हैं, तो लिखा भी हुआ आउट ऑफ IFR। हमें दोनों साइड मार्केट वैल्यू कॉस्ट प्राइस को इक्वल करना है। 1,91,000 की वैल्यू हमें मार्केट में गिवन है, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है वो 2,00,000 की, तो डिफरेंस 9,000 का है, जिसको जिस लॉस को हम कहाँ से कवर कर सकते हैं? जो हमने रिजर्व बनाया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया कि IFR आपका 18,000 का है और 9,000 आपने इसका इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रही है तो इन्वेस्टमेंट में प्लस कर दिया, तभी 2,00,000 बना,
और बाकी जो बचा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो देखते हैं इसकी एंट्री कैसे पास होती है। IFR आपका 18,000 का है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपने यहाँ से देख सकते हो कि 9,000 हमने यूज़ कर लिया, बाकी जो बचा 9,000 है वो आपने ओल्ड रेशो 4:3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये केस था व्हेन द मार्केट वैल्यू इज़ लेस देन द कॉस्ट प्राइस और आपको लॉस हो रहा है, और जो लॉस है वो IFR में से पूरा रिकवर हो पा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट केस है केस नंबर 3, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है देखो हमारी 2,00,000 की थी, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है कॉस्ट प्राइस से वो 2,18,000 है। तो ये केस बन गया मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। तो ये मार्केट वैल्यू हमारी 2,18,000, कॉस्ट प्राइस हमारा 2,00,000, हमें एक्सेस जो 18,000 है वो क्या है हमारा प्रॉफिट। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एसेट है तो इंक्रीज इन एसेट रिवैल्यूएशन में शो होगी, तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बन गया। तो देखते हैं जनरल कैसे कैसे पास होती है। तो हमारा IFR तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमारी मार्केट वैल्यू तो पहले से अप है, 2,00,000 से ज़्यादा है। तो IFR सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल 4:3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये IFR आपका राइट ऑफ हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन एसेट्स आपका रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर होता है। तो क्योंकि ये इंक्रीज इन एसेट है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 का हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि ये डेबिट क्यों करा, बट यहाँ पे अभी यही समझ सकते हैं कि इंक्रीज इन एसेट जो है वो यहाँ पे डेबिट होते हैं रिवैल्यूएशन में। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 18,000 टू रिवैल्यूएशन 18,000 और ये हमारा प्रॉफिट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि रिवैल्यूएशन का जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है वो सारे पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये केस हो गया आपका व्हेन द मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें IFR की जरूरत नहीं पड़ी, वो हमने एज इट इज़ राइट ऑफ कर दिया और जो प्रॉफिट था रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। लास्ट केस है हमारा व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000। तो देखो ये भी लेस देन का केस है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट वैल्यू जो है 1,73,000 और हमारी बुक वैल्यू है 2,00,000 की। तो 2,00,000 तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर टोटल 27,000। कितना चाहिए? 27,000। लेकिन हमारे पास जो IFR है वो सिर्फ है 18,000 का। कितने का? 18। इस केस में ये था कि हमारा जो लॉस था 9,000 का वो 18,000 में से कवर हो रहा था, लेकिन इस केस में क्या है कि जो लॉस है हमारा 27,000 का, टोटल 27,000 का जो लॉस है वो 18,000 मतलब हमारे रिजर्व में से कवर नहीं हो सकता। इस वजह से हमने क्या किया, 18,000 तो हमारा 18,000 आउट ऑफ IFR हमने कवर कर लिया और बाकी जो बचा 9,000 का वो हमने रिवैल्यूएशन का लॉस बना दिया या रिवैल्यूएशन में से कवर करा। इसको हम इंक्रीज डिक्रीज इन एसेट्स बोलते हैं क्योंकि ये हमारी एसेट को डिक्रीज कर रहा है, 9,000 से डिक्रीज हो रही है, तो ये रिवैल्यूएशन का लॉस बन गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, 18,000 का IFR पूरा यूज़ कर लिया और 9,000 का लॉस जो है वो आपने रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र कर दिया। तो IFR 18,000 का, रिवैल्यूएशन 9,000 का डेबिट हो गया, तो इन्वेस्टमेंट 27,000 की, क्योंकि डिफरेंस जो था 27,000 का था। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें 27,000 चाहिए थे, 18 तो IFR में से कवर हो गया, 9,000 हमने रिवैल्यूएशन से कवर किया। तो हमें जैसे कि पता है कि रिवैल्यूएशन का जो भी लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एज कैपिटल बीज कैपिटल सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 9,000 का, ठीक है। तो ये थे आपके 4 टॉपिक जिसमें हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कवर करते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पार्टनरशिप के हर चैप्टर में इन्वेस्टमेंट का टॉपिक आता है, तो वहाँ पे ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इस केस को आप आराम से और ध्यान से समझ लेते हो। सो इफ़ यू लाइक आर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।